हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको स्लिप डिस्क का जो एमआरआई होता है, इनको आप किस तरीके से रीड कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, वह पूरी डिटेल में आपको सिखाने वाले। रिपोर्ट रीडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी हमें बैक पेन होता है या तो रेडिएटिंग पेन होता है, तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते, वह हमें एक्सरे निकालने को बोलते हैं, एमआरआई निकालने को बोलते हैं, और एमआरआई का रिपोर्ट देख के फिर वह डिसाइड करते हैं कि आपको स्लिप डिस्क कौन से लेवल का है। उनके हिसाब से वह ट्रीटमेंट डिसाइड करते या तो फिर सर्जरी का भी ऑप्शन देते। यहां पर बहुत सारे लोगों को एमआरआई की जो प्लेट होती है वह समझ में नहीं आती है, उनका रिपोर्ट समझना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहां पर आपको मैं पूरी डिटेल में सभी चीजें सिखाने वाला हूं। रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है, उसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है इनका मतलब क्या होता है, और एमआरआई की प्लेट होती है वहां पर स्लिप डिस्क किस तरीके का दिखता है, वह भी आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। और स्लिप डिस्क कौन कौन से लेवल की होती है, उनका लेवल किस तरीके का होता है, और इनकी सीवियरिटी भी कैसी होती है, वह भी आपको मैं यहां पर इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो फिर जान लेते हैं पूरी डिटेल में। तो यहाँ पर आपको बेसिक स्पाइन की एनाटॉमी समझनी जरूरी होती है। अगर यह एनाटॉमी आपने समझ ली, कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं वह अच्छी तरीके से सीख लिया, तो बहुत ही आसानी से आप एमआरआई रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, ताकि कोई भी नॉन मेडिकल फील्ड का आदमी भी इनको आसानी से समझ सके। यहाँ पर हमारी जो स्पाइन यानी कि लंबर स्पाइन होता है, इनमें 5 वर्टेब्री होती है। इनको नंबर इस तरीके से दिया जाता है, ऊपर से लेके नीचे 5 वर्टेब्री को L1, L2, L3, L4, L5 बोला जाता है। इनके बाद हमारा सेक्रम बोन होता है, इनको टेल बोन भी बोला जाता है। इनकी सभी वर्टेब्री एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इनको S1, S2, S3, S4 और S5 बोला जाता है। इनके नीचे कॉक्सिक होता है। यहां पर यह सभी वर्टेब्री के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, जिनको गादी भी बोला जाता है। यह गादी बल्ज होती है या तो हर्निएट होती है, इनकी वजह से हमें स्लिप डिस्क हो जाती है। यहां पर सबसे कॉमन जो स्लिप डिस्क होती है वह 4 और 5 नंबर की जो लंबर वर्टेब्री होती है इनके बीच में, और 5 और सेक्रम की जो नंबर 1 वर्टेब्री होती है इनके बीच में, यानी कि L4, L5, L5-S1 के बीच में सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क की तकलीफ होती है। यहाँ पर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह पीछे की साइड होता है, यानी कि लंबर वर्टेब्री की जो बॉडी होती है इनके पीछे की साइड स्पाइनल कैनल होता है, वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। वहाँ से दोनों साइड नर्व्स निकलती है, वह हमारे पैरों को सप्लाई करती है। वहाँ पर से जो सिग्नल होते हैं वह हमारे ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन में से जो सिग्नल आते हैं वह हमारे पैरों तक पहुँचाती है। यहाँ पर अगर हम स्पाइन को क्रॉस सेक्शन में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आगे की साइड इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, इनको गादी भी बोलते हैं। यह डिस्क के सेंटर में इस तरीके से जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इनको न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है। यह न्यूक्लियस पल्पोसस में 70 से 80% तक फ्लूइड होता है, और यह न्यूक्लियस पल्पोसस के बाहरी साइड पर एक फाइबर का बना हुआ कवर होता है, इनको एन्युलर फाइब्रोसिस बोला जाता है। यह एन्युलर फाइब्रोसिस जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उनको बाहर निकलने नहीं देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। अभी यह जो डिस्क है इनके एग्जैक्ट पीछे की साइड स्पाइनल कैनाल होता है, यह कैनाल में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। यह स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक कवर होता है, इनको थीकल सेक बोला जाता है। अभी यह स्पाइनल कैनाल के दोनों साइड पर लेटरल रिसेस होती है, जगह होती है, छोटी सी गली होती है, इनको न्यूरल फोरामिना भी बोला जाता है। यह दोनों गली में से लेटरल रिसेस में से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से जो नर्व्स बाहर निकलती है, यह नर्व्स यह दोनों रिसेस में से बाहर निकलती है, दोनों साइड पर निकलती है, फिर हमारे पैरों तक पहुँचती है। अभी यह स्पाइनल जो कैनाल है इनके एग्जैक्ट पीछे की साइड
लिगामेंटम फ्लेवम होता है। यह लिगामेंटम फ्लेवल हमारी जो वर्टेब्रीज होती है इनको एक दूसरे के साथ पकड़ के रखती है और यह स्पाइनल कैनाल के पीछे और दोनों साइड पर बाजू पर दो जॉइंट्स होते हैं, इनको फेसेट जॉइंट बोला जाता है। यह फेसेट जॉइंट में अगर आर्थराइटिस होता है तो उनको फेसेटल आर्थराइटिस बोला जाता है, आर्थ्रोपैथी बोला जाता है। इनकी वजह से भी हमारी जो नर्व्स बाहर निकलती है इसमें इंपीजमेंट आता है, उनको टच करती है, उनको कंप्रेशन मिलता है, फिर हमें अलग अलग जो स्लिप डिस्क के सिम्टम्स होते हैं वह दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी समझ ली, सभी अलग अलग स्ट्रक्चर का लोकेशन जान लिया कहाँ पर होते हैं और किस तरीके से वह अलग अलग काम करते हैं। अभी जान लेते हैं कि हमारी जो डिस्क होती है इनका हर्निएशन किस तरीके से होता है, उनके अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं, कौन कौन से लेवल में हमारी गादी बाहर निकलती है, उनकी सीवियरिटी क्या होती है, इनके अलग अलग सिम्टम्स हमारे शरीर में किस तरीके से दिखते हैं, ताकि आप इजीली एमआरआई रिपोर्ट को समझ पाओ, उनको रीड कर सको। यहाँ पर जो शुरुआत का और सबसे माइल्ड लेवल होता है वह होता है बल्जिंग ऑफ डिस्क, यानी कि डिस्क बल्ज भी इनको बोला जाता है। यह इतना सीवियर नहीं होता है, इसमें कई बार रेडिएटिंग पेन भी नहीं होता है, रेडिएटिंग सिम्टम्स नहीं दिखते, जस्ट हमें बैक पेन होता है। इसमें हमारी जो पूरी गादी होती है वह फूल जाती है। इनके बाद हमारी जो गादी होती है इसमें हर्निएशन होता है, हर्निएशन यानी कि जो बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वह धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देता है। यह हर्निएशन में जो पहला लेवल होता है वह होता है प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन यानी कि स्मॉल हर्निएशन, इसमें जो बीच वाला जेली लाइक सब्सटेंस होता है वह थोड़ा सा ही बाहर निकलता है, जो आउटर कवर होता है उनका अंदर का जो भाग होता है उनको तोड़ देता है और थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, पर इसमें पूरा बाहर नहीं निकलता है। इनके बाद का जो लेवल होता है वह एक्सट्रूजन होता है, एक्सट्रूजन यानी कि बिग हर्निएशन, इसमें अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस पल्पोस होता है वह बाहरी जो एन्युलर फाइब्रोसिस होता है उनको कंप्लीटली तोड़ देता है और पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। यह थोड़ा सीवियर स्टेज होता है। इनके बाद का जो आखिरी स्टेज होता है वह होता है सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि जो अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है वह पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। इनके अलावा वह टूट जाता है और फिर वह स्पाइनल कैनाल में चला जाता है। इनके सिम्टम्स बहुत ही सीरियस होते हैं, इसमें सर्जरी करनी जरूरी हो जाती है। बल्जिंग के अलावा प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रेशन में सिम्टम्स बहुत ही सीवियर होते हैं, रेडिएटिंग पेन होता है, टिंगलिंग नमनेस होती है, बैक पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन भी होते हैं और सीवियर पेन हमारे पूरे लेग में, बटक्स में और फुट तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमने अलग अलग लेवल आपको समझा दिए। अभी जान लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारा जो रिपोर्ट होता है इसमें लिखी हुई होती है। यहाँ पर हमारी जो गादी है वह खास करके पीछे की साइड सरकती है, पीछे की साइड स्लिप हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रूटीन वर्क होता है वह आगे झुकने का होता है, आगे झुक के काम करने का होता है, और पीछे की साइड हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से जो नर्व्स निकलती है वह पीछे की साइड होती है। यहाँ पर गादी एग्जैक्ट पीछे की साइड सरकती है या तो दोनों साइड पर बाजू पर सरकती है। रिपोर्ट में पोस्टियर हर्निएशन या तो पोस्टियर लेटरल हर्निएशन लिखा हुआ होता है। पोस्टियर हर्निएशन में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वह दबता है और जो लेटरल हर्निएशन होता है उसमें बाजू पर से जो नर्व्स निकलती है उनको कंप्रेस करती है, लेटरल रिसेस जो गली होती है उनको दबा देती है, वहां पर जगह कम कर देती है। इनके अलावा जो हमारा लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम होता है, इसमें भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वह फूल जाता है, वहां पर सूजन आ जाती है, इसीलिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड दब जाता है। फिर जो स्पाइनल कैनाल की जगह होती है वह कम हो जाती है। यहां पर यह डिस्क हर्निएशन की वजह से और यह लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी की वजह से जो बीच वाली स्पाइनल कैनाल की जगह होती है वह कम हो जाती है, वह नैरो हो जाती है, इनको स्पाइनल स्टेनोसिस बोला जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल। तो यह टर्मिनोलॉजी भी बहुत ही कॉमन लिखी हुई होती है। तो यहां पर अलग अलग लेवल पे यह स्पाइनल कैनाल का डायमीटर एमआरआई रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है, इनको समझना भी बहुत ही जरूरी होता है। यहां पर मिड वर्टेब्रल लेवल पे डायमीटर होता है और डिस्क लेवल पे डायमीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि L1 पे 13 mm है, L2 पे 11 है
और L5 पे 11 है, L4 पे 12 है, यानी कि डायमीटर वर्टेब्रल लेवल पे सही है, पर डिस्क लेवल पे डायमीटर आप देखोगे तो L1 और L2 के बीच में जो डिस्क होती है वहाँ का डायमीटर 9 mm है, और L4 L5 के बीच में जो डिस्क है वहाँ का डायमीटर 4 mm है, यानी कि जो स्पाइनल कैनाल है वह L4 L5 पर दब गई है, वहाँ पर जगह कम हो गई है क्योंकि यहाँ इसी लेवल पर हमारी गादी सरक गई है। तो यह समझना भी बहुत ही जरूरी होता है। इनके अलावा रिपोर्ट में लिखा होता है डिफ्यूज डिस्क बल्ज, डिफ्यूज यानी कि पूरी गादी हमारी बाहर निकल गई है, बल्ज यानी कि सीवियरिटी इतनी नहीं है, प्रोट्रूजन लिखा है तो माइल्ड हर्निएशन हुआ है, एक्सट्रूजन लिखा है तो सीवियर हर्निएशन हुआ है, और अगर सिक्वेस्ट्रेशन लिखा है तो गादी पूरी तरीके से टूट के बाहर निकल गई है। इनके अलावा कंप्रेशन ऑफ थीकल सेक लिखा होता है, यानी कि जो हमारी गादी है वह पीछे की साइड सरक जाती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर कवर होता है इनको थीकल सेक बोला जाता है, इनको दबाती है। बायलेटरल एग्जिटिंग नर्व रूट को भी दबाती है, यानी कि जो दोनों साइड पर जो स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकलती है उनको भी दबाती है, इसलिए उनको भी कंप्रेशन मिलता है। और माइल्ड स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस, यानी कि थोड़ा सा ही हमारा जो स्पाइनल कैनाल है वह दबा है, वहाँ की जगह कम हुई है। इनके अलावा ऑब्लिट्रेशन ऑफ बायलेटरल लेटरल रिसेस, यानी कि बाजू की जो दोनों गली होती है इनकी जगह माइल्ड कम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। और माइल्ड लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी, यानी कि पीछे की साइड जो लिगामेंटम फ्लेवल होता है वहाँ पर सूजन आ गई है, वह साइज में बढ़ गया, इनकी वजह से भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव आता है। फेसेटल आर्थ्रोपैथी कॉमनली लिखा हुआ होता है, यानी कि जो बाजू पे दोनों जॉइंट होते हैं वहाँ पर आर्थराइटिस हुआ है। कई बार रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है एन्युलर टेयर, यानी कि जो डिस्क का बाहर का जो एन्युलर फाइब्रोसिस होता है उसमें टेयर हो गए, वह टूट गई, इनकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वह बाहर निकल जाता है। कई बार रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है डेसिकेशन ऑफ डिस्क, यानी कि जो हमारी गादी है वह पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड हो गई, सूख गई है, ड्राई हो गई है, उसमें तिराड़ पड़ गई है, इनकी वजह से भी हमारी जो डिस्क होती है वह बाहर निकल जाती है। यह कॉमनली ओल्ड एज पीपल में होता है, और जिनका वर्क बहुत ही ज़्यादा होता है आगे झुकने का और बैठने का होता है उनकी गादी में भी चेंजेस आते, फिर यह डेसिकेशन ऑफ डिस्क हो जाता है। तो यहां पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी लिखी हुई होती है, अगर यहां पर माइल्ड लिखा हुआ है तो इतनी सीवियर नहीं है, मॉडरेट लिखा हुआ है तो थोड़ी मीडियम लेवल की सीवियरिटी है, और अगर सीवियर लिखा हुआ है तो यानी कि हमारी जो सीवियरिटी है जो गादी है वह बहुत ही खराब तरीके से टूट के बाहर निकल गई है। कई बार लिखा हुआ होता है बायलेटरल, यानी कि दोनों साइड की जो नर्व्स होती है उनको दबाती है, अगर राइट साइड मोर देन लेफ्ट साइड लिखा हुआ होता है तो इनका मतलब है कि राइट साइड की जो नर्व है वह लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में ज्यादा दब रही है। तो ऐसी अलग अलग टर्मिनोलॉजी लिखी हुई होती है। यहाँ पर L4 L5 डिस्क हर्निएशन लिखा हुआ होता है, यानी कि L4 L5 के बीच में जो डिस्क होती है वह बाहर निकल जाती है, वहाँ से जो नर्व्स निकलती है वह दबती है। तो इस तरीके से अलग अलग टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ लेते हो तो आपको यह रिपोर्ट पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर एमआरआई रिपोर्ट की आपको प्लेट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गादी पीछे की साइड निकली हुई है और पीछे की साइड जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उनको कंप्रेस कर रही है। अगर क्रॉस सेक्शन में हम देखें तो गादी पोस्टीरियर लेटरल दिख रही है और वहाँ पर से जो नर्व्स निकलती है उनको दबा रही है, और वहाँ पर जो लेटरल रिसेस यानी कि न्यूरल फोरामिना होता है जो गली होती है जहाँ से नर्व निकलती है उनको भी कंप्रेस कर रही है, वह जगह को कम कर रही है, और पीछे की साइड जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उनको भी दबा रही है। तो इस तरीके से एमआरआई प्लेट में आपको जो डिस्क बाहर निकली हुई है वह दिखती है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इस वीडियो के संबंध में आपकी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। Thank you for watching.